हेलो और स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं चिली चिकन पिज्जा। और पिज्जा किसे पसंद नहीं, ये मेरा फेवरेट है। चिली चिकन पिज्जा बनाने के लिए चाहिए पिज्जा बेस, मोज़रेला, और टमाटर के स्प्रेड के लिए चाहिए थोड़ी टमाटर प्योरी, टमाटो सॉस, लाल मिर्च पाउडर, ऑलिव ऑयल, लहसुन, ऑरिगेनो, काली मिर्च और थोड़ा नमक। चिली चिकन के लिए चाहिए थोड़ा कुक चिकन, कैप्सिकम, प्याज, सोया सॉस, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, विनेगर और कॉर्नफ्लावर। पहले टमाटर का स्प्रेड बनाने के लिए हम पैन में तेल गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिलाएंगे। इसे हम पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनटों के लिए, इसके पहले कि हम इसमें डालें दूसरी सीजनिंग। अब इसमें डालूंगी चुटकी भर नमक। फाइनली अब इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। तो अब मैं शुरू करूंगी बनाना चिली चिकन। एक बोल में सबसे पहले लेंगे कुक चिकन। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक। अच्छे से मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ जब अच्छे से घुल जाए और फिर इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। अब मैं थोड़ा सा तेल गरम करूंगी। जब तक तेल गरम हो रहा है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसमें और अच्छे से मिला लेंगे। अब मेरा तेल गरम है, मैं शुरू करूंगी इसे पकाना। इसे हम पकाएंगे जब तक ये हो जाए क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन। अब पिज्जा बेस पे सबसे पहले हम लगाएंगे टमाटर का स्प्रेड। अब छिड़केंगे थोड़ा चीज, अब हम इस पे रखेंगे चिकन के पीसेस, चिली चिकन के। फाइनली इस पे रखेंगे कैप्सिकम, थोड़े प्याज, और थोड़ा सा और चीज़।
फाइनली इसे बेक करेंगे अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये हो जाए क्रिस्पी। टमाटर की जो टैंगीनेस है वो मुझे पसंद है, और तीखा फ्लेवर चिली चिकन का। तो आप जाइए, इनवाइट करिए फ्रेंड्स को और एंजॉय करिए इस डिलीशियस चिली चिकन पिज्जा को।